हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ IPL 2022 के दोस्तों जो है थर्ड मैच की मैच परीक्षण। जो थर्ड मुकाबला है ये खेला जाएगा पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच। और जो मुकाबला है दोस्तों ये होगा आपका दोस्तों, मुकाबला खेला जाएगा 27 मार्च की दोस्तों शाम को 7:30 बजे भारतीय समय अनुसार। और मुकाबला होगा डॉक्टर डी वाई पाटिल स्टेडियम, डॉक्टर डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी नवी मुंबई में। तो दोस्तों मैच में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। इस वीडियो में आपको मिलेगा दोस्तों इस मैच से रिलेटेड प्लेइंग 11, इस मैच से रिलेटेड पिच रिपोर्ट और प्रेडिक्शन भी दोस्तों। और जो फैंटेसी टीम से वो आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे मिलेगी। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि IPL में आपको सेशंस भी दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और लिंक जो है दोस्तों आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ जो लिंक दिया गया है उसी से ज्वाइन होगा। उसके अलावा कहीं पर भी कोई लिंक मिले मेरे वीडियो के अलावा, कहीं पर भी कोई लिंक मिले मेरे टेलीग्राम का, तो ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है, ओके गाइस। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी मैचेस की बेस्ट से बेस्ट मैच एनालिसिस मिलती है और प्रेडिक्शन मिलती है, जो कि पास भी होती है, इसमें आपका एक प्रॉफिट है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों पर नजर डालूँ तो एक से एक बल्लेबाज है इनके पास, जैसे कि दोस्तों आपका भानुका राजा प्रकाश, शाहरुख खान, शिखर धवन, लियम लिविंगस्टन, ओडेन स्मिथ जैसे प्लेयर दोस्तों, मयंक अग्रवाल, जॉनी बेस्ट आपको पहले मैच में दिखेंगे नहीं, प्रभ सिमरन जैसे प्लेयर दोस्तों, हरप्रीत सिंह बरार जैसे प्लेयर। वहीं अगर मैं बैंगलोर की बल्लेबाजी पर नजर डालूँ तो उनके पास अवनीश सिसोदिया, फैफ डुप्लेसिस, विराट कोहली, ग्लैन मैक्सवेल, महिपाल लैमरॉर जैसे प्लेयर हैं दोस्तों, विंदु हजरंगा जैसे प्लेयर हैं, अनुज राजवा, दिनेश कार्तिक, फिन एलन जैसे प्लेयर हैं, शिफिन रदरफोर्ड जैसे प्लेयर हैं। तो अगर मैं पलड़ा भारी की बात करूँ तो मुझे तो हल्का सा पलड़ा जो है दोस्तों पंजाब किंग्स का पलड़ा भारी लग रहा है बल्लेबाजी में। अब आइए दोस्तों दोनों टीमों की गेंदबाजी में नजर डालते हैं। तो सबसे पहले अगर पाकिस्तान पंजाब किंग्स की गेंदबाजी में डालूँ तो उनके पास हरप्रीत सिंह बरार, अर्शदीप सिंह, खंगीसो रबाडा के जी, नेथन एलियास, राहुल चहर, संदीप शर्मा जैसे गेंदबाज हैं दोस्तों। वहीं अगर मैं बैंगलोर की गेंदबाजी में डालूँ तो उनके पास मोहम्मद सिराज, कान शर्मा, जॉस हेजलवुड, जेसन बैंड्रॉफ, हर्षल पटेल जैसे प्लेयर हैं दोस्तों। जेसन बैंड्रॉफ आपको पहले मैच में दिखेंगे नहीं दोस्तों बैंगलोर की तरफ से। तो अगर मैं पलड़ा भारी की बात करूँ तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में मुझे जो है पंजाब किंग्स का पलड़ा भारी लग रहा है। भाई आपको जो दोस्तों दोनों टीमें उनकी प्लेइंग इलेवन पर नजर डालते हैं कि क्या होगी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन। तो सबसे पहले अगर मैं पंजाब की प्लेइंग इलेवन की बात करूँ तो मयंक अग्रवाल, शिखर धवन ओपनिंग करेंगे, प्रभ सिमरन सिंह आएंगे 3 नंबर पर दोस्तों, नंबर 4 पर आएंगे आपका लियम लिविंगस्टन, नंबर 5 पर आएंगे शाहरुख खान, और दोस्तों नंबर 6 पे आएंगे आपका ओडेन स्मिथ, नंबर 7 पे आएंगे आपका हरप्रीत सिंह बरार, नंबर 8 पे आपको आएंगे कंगिसो रबाडा, नंबर 9 पे राहुल चहर, नंबर 10 पे संदीप शर्मा। दोस्तों ये हो सकती है प्लेइंग 11 पंजाब की। वहीं अगर दोस्तों मैं जो बैंगलोर है उसकी प्लेइंग 11 की बात करूँ तो दोस्तों कुछ इस प्रकार हो सकती है, फैफ डुप्लेसिस और विराट कोहली ओपनिंग करेंगे, अर्जुन अनुज रावत नंबर 3 पे, नंबर 4 पे फिन एलन, नंबर 5 पे दिनेश कार्तिक, नंबर 6 पे महिपाल लामरॉर, नंबर 7 पे विंदु हसरंगा, नंबर 8 पे हर्षल पटेल, नंबर 9 पे शहबाज अहमद, नंबर 10 पे शिफिन रदरफोर्ड, नंबर 11 पे मोहम्मद सिराज। तो काफ़ी अच्छी प्लेइंग 11 इनकी भी बन जाएगी दोस्तों। अब आइए दोस्तों जो पिच रिपोर्ट है उस पर नजर डालते हैं। तो पिच रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है, पिच रिपोर्ट में बता दूं दोस्तों कि आपको जो डी वाई पाटिल स्टेडियम है यहाँ पर ज़्यादा मैचेस खेले नहीं गए हैं, कुछ ही मैचेस खेले गए हैं जो T20 डोमेस्टिक जैसे कि IPL के 7 मुकाबले यहाँ पर हुए हैं। काफ़ी सालों बाद दोबारा यहाँ मुकाबला हो रहा है, कोविड के चलते इस स्टेडियम पर नज़र डाली गई, नहीं तो पहले इस स्टेडियम में कोई पूछता तक नहीं था। तो 7 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें पहले बैटिंग करने वाली ने जीते हैं, 1 मुकाबले बाद में बैटिंग करने वाली ने जीते हैं 6। तो क्लियरली जो है दोस्तों चेजिंग टीम का पलड़ा भारी है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है दोस्तों 143 रन्स का, और सबसे हाईएस्ट स्कोर पुणे वॉरियर्स का था, 187 रन बनाए थे। सबसे कम स्कोर यहाँ पर पंजाब का है, 112 रन बनाए थे 8 विकेट खो के दोस्तों। और स्कोरिंग पैटर्न कुछ इस प्रकार रहा है, 150 रन से कम का 5 बार बना है, 150 से 169 का स्कोर 1 बार, 170 से 189 का स्कोर 1 बार। तो काफ़ी इतना ज़्यादा
जो है दोस्तों हाई स्कोरिंग ग्राउंड भी नहीं रहा है दोस्तों ये। तो ये तो थी पिच रिपोर्ट और आपको प्लेइंग इलेवन दोनों टीमों की। अब आपको मैं बताता चलूँ दोस्तों की प्रेडिक्शन भी आपको मिलेगी, पर आपको जो है टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना है क्योंकि फाइनल प्रेडिक्शन वहीं पर आएगी टॉस के बाद, ठीक है गाइस। और वीडियो में भी आपको अंत में प्रेडिक्शन बता दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्रेडिक्शन ऐप का लिंक मिलेगा, तो फटाफट जाकर प्रेडिक्शन ऐप के लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें, प्रेडिक्ट करें कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम मैच जीतेगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाए। कई बार क्या होता है टॉस के बाद अगर कोई मैच में चेंज होता है तो उसकी अपडेट मैं टेलीग्राम में देता हूँ। और दोस्तों बहुत से छोटे छोटे मैच होते हैं जिनके वीडियो नहीं बना पाता, पर उनकी मैच प्रेडिक्शन आपको मेरे टेलीग्राम में मिलती, तो ज्वाइन हो जाएगा। सेशंस और फैंटेसी टीम्स के लिए भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, सेशंस और फैंटेसी टीम्स भी आपको बिल्कुल फ्री में मेरे टेलीग्राम में दे दी जाएगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत से फेक चैनल बन गए मेरे नाम पे टेलीग्राम पे, तो अगर आप उन फेक चैनलों से बच के रहना चाहते हैं तो मेरे द्वारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाता है उसी से ज्वाइन हो। उसके अलावा आपको कहीं भी कोई लिंक मिले मेरे टेलीग्राम का तो ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। तो गाइस फाइनल प्रेडिक्शन मैं आपको बता दूंगा, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट मैच प्रेडिक्शन मिलती है जो कि पास भी होती है। तो गाइस मेरे हिसाब से जो टीम मैच जीतेगी वो होगी पंजाब किंग्स, या दोस्तों पंजाब किंग्स के मुकाबला जीतेगी मेरे हिसाब से। हालांकि फाइनल प्रेडिक्शन जो है आपको टेलीग्राम पे ही दे दी जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए। अगर आप ज्वाइन नहीं होते टेलीग्राम चैनल में तो उसमें गलती आपकी है, क्योंकि आप जो है फाइनल प्रेडिक्शन मिस कर देंगे। तो टेलीग्राम पे टॉस के बाद फाइनल प्रेडिक्शन दे दी जाएगी। हालांकि वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि पंजाब किंग्स के मुकाबला जीतेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।